अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हैं। तो पहले तो बहुत बहुत सॉरी क्योंकि आप लोगों को मैंने इतना वेट करवाया व्लॉग के लिए। तो जी अभी है सुबह का टाइम और मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। ये पराठा रेडी नहीं हुआ, बस हो रहा है, अभी तक चाय भी तो नहीं बनी। चाय गिर ही ना जाए। मुझे एक प्लेट दो। कौन सी? और ये कौन है? ओ ये कौन है? ये सुबह से मेरी मिलते कर रही है। ये कौन है? इतनी सा जी लो बेबी ब्रॉनी। अच्छा मैं आज नाश्ते में क्या खाऊंगी आपको पता है? नहीं ज्यादा तो बेबी ब्रॉनी नाम नहीं पता होगा इस चीज का, दिखाती हूँ मैं। तो मैं अभी खाऊंगी ब्रेकफास्ट में कक्को देसी घी के साथ। और कक्को क्या चीज़ होती है वो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। देखने में ये बिल्कुल आपको हनी की तरह लग रहा होगा लेकिन ये हनी नहीं है, ये कक्को है। और अगर आप लोगों को नहीं पता तो फिर मुझे बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी कि कक्को क्या चीज़ होती है। लेकिन जो लोग मुल्तान वाली साइड पर रहते हैं उन लोगों को तो पता होगा कि ये क्या होती है। और बड़ा मज़ा आता है ऑयल वाली रोटी के साथ, देसी घी के साथ इसका खाने में। तो आज मैं ये खाऊँगी। ब्रोनी ना चिकन के लिए बहुत ज्यादा क्रेजी है। ब्रोनी को मैंने अभी बाउल भर के यखनी का भी दिया है और चिकन का भी दिया, फिर भी उसकी ना वो हवस नहीं खत्म होती। ये देखो लोग कहते हैं बीबी है ना, छोटा बीबी। अच्छा किसी ने बोला कि उजड़ी उजड़ी है, इसको उसके भाई लेके इतना करते हैं, इतना प्यार करते हैं। हर कोई मफिन वो आता जाता, स्कूबी मोनी हर बच्चा इसको प्यार करता है, पता नहीं क्यों इतनी लाडली है सबकी। ये मैं गाजरें लेके आया हूँ, मंडी गया था। ओ ये कौन आया है? कूड़ा है ना काफी सारा। ये मैं गाजरें लेके आया हूँ मंडी से काफी सारी, तो आज हम गजरेला बनाएंगे और गजरेले का हलवा। गजरेला डिफरेंट चीज होती है, गजरेला होता है जो खीर में गाजरें नहीं डली होती उसको गजरेला कहते हैं। चलें आज हम गाजर का हलवा बनाएंगे। और ये मैं गोभी भी ले आया था, मटर भी। मटर आजकल बड़े सस्ते हुए हैं, आप भी लेके फ्रीज कर लो। फ्रीज कर लेती हो? ये गाजरें इतनी सस्ती हैं, 30 रुपए किलो हैं, और गोभी जो है वो 50 रुपए का इतना बड़ा फूल और 60 रुपए के मटर। और पिछले दिनों गर्मियों में कितने के मटर थे पता है? 300-400 रुपए किलो थे, 300 से लेके 400 रुपए किलो तक, 50-50 रुपए के लोग लेके जाते थे। और अब यहाँ पे डायरेक्टली शाम हो चुकी है, शाम का टाइम है। सारा दिन कुछ मैंने शूट नहीं किया और मेरा भाई आया हुआ था, मेरी सिस्टर आई हुई थी, हम लोग भी बाहर गए हुए थे तो वो हमारे साथ ही घर आए हैं। तो यहाँ पे ना चिप्स बनाने लगे हैं। ब्रोनी तो नहीं खाती? इसकी पुप्पो तो खाती है। ब्रोनी तो चिकन खाती है, चिकन लवर है। ब्रोनी से चिकन लवर है। अभी मैं ये लेकर आई हूँ, मेरे पास था नहीं, वैसे मैं इलेक्ट्रिक भी ले आऊंगी। ये जो ऑरेंज जूस वाली होती है मैनुअल मशीन, ये वो है। और मैंने लिए हैं दो बाउल्स, मेरे पहले वाले वाइट जो है ना वो खराब हो गए थे तो ये मैं दो और लाई हूँ। साथ में ये दो बास्केट्स, ये मुझे बड़ी अच्छी मिली। और एक ना मेरे पास वो लकड़ी का मॉर्टर एंड पेस्टल था, जो कुंडी डंडा होता है लकड़ी का, तो था तो मैंने एक ये वाला भी लाई हूँ मॉर्टर का। इनको वॉश कर देंगे सारी चीजों को। वॉश क्यों? जाहिर है नई चीजों को वॉश करके यूज करते हैं। क्या बात है बलोनी? कुछ कह रही है बलोनी? और पहले तो मैं बनाने लगी थी मसाले वाले बैंगन, लेकिन वो जब मैंने काट के देखा तो वो सारे के सारे ही ख़राब हो चुके थे। तो फिर मैंने यहाँ पे शलजम जो है वो मैं अब काट रही हूँ, और चिकन में मैं शलजम बनाऊंगी। और मुझे अच्छे लगते हैं भुजिया टाइप के बने हुए, मम्मा मेरी बनाती हैं शोरबे वाले, लेकिन मुझे ना बिल्कुल भुजिया टाइप के अच्छे लगते हैं। और विंटर्स में इतनी फ्रेश इतनी मज़े की सब्ज़ी आई हुई है ना,
कि हर सब्जी को देख के दिल करते हैं कि बस ये भी बना लें, ये भी बना लें। फिंगर चिप्स, चिकन, ये मैंने दो चाय भी रखी, ये भी, और ये देखें चिप्स की लालच में आ गया। नहीं ये वो उसकी, ये शलजम की लालच में आया है। ये शलजम कौन खाता है? वैसे ही खाओगे सेब की तरह। माशा ये देखें, हमने ना बाहर आज बहुत सर्दी है, बहुत फॉग है, और हमने जैनी का इंतजाम कर दिया। हम जैनी को ले आए नीचे, ये हमने गैरेज में ही ना अपनी गैलरी में इसको बांध दी है। ये जैनी पॉकेट में हड्डियां डालोगी, और ये इसके लिए मैंने ना इसको एक स्वेटर पहना दी है, छोटी छोटी पॉकेट्स भी हैं इसमें। हाँ, इसमें छोटी छोटी पॉकेट्स है, और ये नीचे ना इसको गर्म वाली बोरी रखी है। ली थी वो कहते हैं लेडीज है, मैंने कहा पहननी भी लेडीज नहीं है। इतनी क्यूट लग रही है ना, मैंने उसे बताया ना मैंने किसको पहनानी है, तो मुझे डिस्काउंट भी दे दिया। जैनी इतनी क्यूट लग रही है। अब ये इसमें ना ये वूल की बनी हुई है ना, ऊन की जो होती है, तो ये बहुत गर्म रहेगी इसमें। जैनी ऊपर भाग रही थी, वो उसको छत की आदत है ना, लेकिन अब सर्दी बहुत ज्यादा है, उसको छत पे नहीं रख सकते। अब यहाँ पे ऊपर भी कपड़े छपड़ा बांध देंगे सुबह। हाँ ऊपर हम यहाँ पे ना इसको छत पे कोई वो कवर कर देंगे, शेड वगैरह बना देंगे। अच्छा इसके पांव में आड़ रही है, तो सीधा करूं किसी चीज से बांध देना जो लटक रही है। नहीं कोई बात नहीं, बैठ जाएगी, कवर ही करना है इसको, इसे टांग में फंसा ली है, खुली काफी है ना। ओह ये दिखाओ तो रही है ये। इसका पूरा ब्लैंकेट बन गया, ये तो ऐसे उतार देगी गले से फुदैल। नहीं तो ये चलेगी कैसे, जब जाएगी भाई तो वो तो इसको उतार ही देंगे, इसको मुझे लगता है ज्यादा लूज है। लूज बहुत है। ये क्या कर रहे हो? वेरी गुड। ये कौन सा स्टाइल है भाई जैनी का? ये देखो क्या करें इसका, फिर ऐसे ना बड़े साइज की आ गई है। हाँ ओ दुपट्टा लो, चलो कवर होके सो जाओ आप। जैनो चलो, जैनो ये तो वो माई क्या है वो जो शो करता है वो बन गई है ये इसने। चलो जैनी सो जाओ। भाई आज बहुत सर्दी है भाई, ये देखें फोग आपको नजर आ रही है, ये देखें कैसे धुआं है, ये देखें कितनी सर्दी है और कितना सन्नाटा है। चलें जी बस अब हम लोग सोते हैं, अब सुबह आपसे बात करूंगी। चलो जैनी सो जाओ, बहुत प्यारी लग रही है। अमेरिकन डॉग जैसी लग रही है वो ना। अब इसको लाइट्स ऑफ करते हैं और अब ये सो जाए। जैसे अमेरिकन डॉग्स नहीं होते बड़े बड़े। मेरा मनी प्लांट काफी बड़ा हो रहा है माशाल्लाह। चलो सो जाओ जैनी, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़ जैनी, आ जाओ। इतनी क्यूट लग रही है। मेरे प्लांट्स में भी एक प्लांट का नाम मैंने मफिन रखा हुआ है, आपको बताती हूँ कौन से प्लांट का नाम मफिन है और मैंने क्यों मफिन रखा है उसका नाम। ये तुम्हारा बहुत प्यारा प्लांट है, ये मफिन का बेटा है जी। ये देखो एलोवेरा, तुमने एक छोटा सा डंडी लगाई थी और कितनी बड़ी हो गई है। और पूछ रहा था तुमसे, तुम कह रही थी कि आपकी प्लांट की केयर कौन करता, तो अपने प्लांट की केयर खुद ही करती है। ये इसने ना एक इसके ये इतना बड़ा पौधा था, इसके इसके छोटी छोटी यहाँ शाखे निकल आई थी, सारे बच्चे ये ना, जो है ना इसका नाम मफिन है। इसका मफिन है, कितने सारे बच्चे हैं हमारे घर। ये 5 साल हो गए इसको मुझे लिए हुए और इसने इतने सारे बच्चे बना, इनके आपको पता पौधों के भी बच्चे होते हैं। तो अब इस वाले प्लांट की ना कटिंग होने वाली है, मैं इसकी ना मंथ में एक दफा लाजमी कटिंग कर लेती हूँ। ये यहाँ से इसकी ना जो एजेस है ना ये इस तरह से होने लग जाते हैं येलो, अगर आप इसकी कटिंग ना करें तो ये फिर पूरा येलो हो जाता है पता, इसलिए मैं इसकी कटिंग करूंगी कल, शायद मैं टाइम निकाल के कर लूंगी। अब खाने में क्या खाना है, गैस तो खत्म, हमने चिप्स सुनाई थी गैस तो सारी खत्म हो गई, गैस खत्म हो गई, खाना नहीं बना, आप कुछ ऑर्डर करते हैं। जी जी और तुम तो सास हो, जी जी भी आ गई, भारती भी आई है।
अब इनको पर लग गए, इन्होंने बाहर निकलना होता है। अभी ना ये यहाँ पे छोटा यहाँ पे आके लटक गया था कि मुझे बाहर निकालो। बच्चे बहुत ज्यादा शैतान हो गए हैं। मफिन को अब हम नहीं निकाल रहे, इनके पास नहीं आने देते क्योंकि डिस्टर्ब हो जाते हैं फिर बच्चे। इतनी ऊंचाई पे बैठी है और फिर भी देखो गर्ल्स खेल का बात है। छोटी गर्ल को देखो, छोटी तो बहुत ही शैतान है। ब्रानी ब्रानी ब्राउनी ब्राउनी, ये बेबी ब्राउनी है और ये बेबी फ्लोरा। माशाल्लाह एक जैसी है देखो, हन्ना कजन हैं दोनों कजन, आंखें भी एक जैसी। देखो दो बेबी ब्राउनीज टू टू। अच्छा प्यार करो वो देखो, वो तुम्हें कुछ कह भी नहीं रही। चिकन नहीं खाना ब्राउनी ने। देखो छोटी ब्राउनी को देखो, माशाल्लाह ये छोटी ब्राउनी है बड़ी ब्राउनी। अच्छा है भी एक जैसी था ना दोनों। ओए होए होए छोटी, ओहो ब्राउनी गुस्सा कर गई। अच्छा पप्पी दो, नहीं पप्पी दो, पप्पी चिकन नहीं खाना। बिब्बी आपको प्यार कर रहा है ना। चलो दे दो। ओहो इसने कितना प्यार किया ब्राउनी को। मिनो ये ब्रोनी आपकी हुई। ये है हमारी बेबी फ्लोरा। ये खाने में खा लूं। बेबी फ्लोरा इतनी भी आई। बेबी फ्लोरा ये देखें जी, आज फर्स्ट टाइम बेबी बाहर आने की खुद कोशिश कर रहा है। कैसे लटका हुआ है कि मुझे बाहर निकाल लो। और ये भी रो रहे हैं बाहर आने के लिए सब। उसका हाथ, उसके नेल्स फंस गए अंदर, उतार लिए उसने। ये देखें छोटी सी फ्लोरा को देखें। अरे छोटी सी डोरा नहीं दुकान में। तो आज की वीडियो मैं बस यही एंड करती हूँ। छोटी सी वीडियो है, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलेंगे जी नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।